स्टूडेंट्स, और जैसा कि तुमने देखा था कि कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस कैसे होता है, गेमेट्स का फॉर्मेशन। आज हम पढ़ेंगे दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो पिछला टॉपिक था जिसका नाम था गेमेटोजेनेसिस और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये दोनों इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक हैं। हर एग्जाम में इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब एक बात जो मुझे कल बतानी थी वो बात ये है, देखो पेज नंबर 45 ओपन करो। यहाँ पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स दिखाएं। एक वर्ड नोट करो, ये जो ग्लैंड होती है जिसका नाम है बार्थोलिंस ग्लैंड, BARTHOLINS। इस ग्लैंड का फंक्शन ये होता है कि ऑकल्स यानी कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की तरह काम करता है फीमेल्स के अंदर। जैसे मेल्स में ल्यूब्रिकेशन देने का काम ऑकल या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का होता है, ऐसे फीमेल के केस में बार्थोलिन ग्लैंड का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ उस समय मुझसे छूट गई थी। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको हम देखें। पहले तो ये देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के साथ, यानी कि फीमेल्स में जो भी उसकी एज है जैसे 12 या 13 इयर्स, उसके आसपास मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इसकी साइट ऑफ ऑपरेशन क्या है, ये तो मैंने बताया टाइम ऑफ ऑपरेशन। टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या हुआ एट प्यूबर्टी, अब आते हैं साइट ऑफ ऑपरेशन यानी ये होती कहाँ है। इसके ऑपरेशन के दो मेन पोजीशंस हैं, एक तो होती है यूटेरस और एक होती है ओवरी। यानी ज़्यादातर जो फंक्शंस और एक्टिविटीज हो रही है वो ओवरीज और यूटेरस में हो रही है। और इस सारे प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हॉर्मोन्स का, क्योंकि हॉर्मोन्स की वजह से ही ये सारे चेंजेस आते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके नाम से क्लियर है कि ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है, यानी कि हर एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद, है ना, हर एक निश्चित पीरियड के बाद ये साइकिल फिर से ऑपरेट होती है, स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक उस ड्यूरेशन के बाद ये फिर से ऑपरेट होती है। जैसे तुम्हारी बुक में जो ये पीरियड दिया है वो 28 to 29 डेज का है, हालांकि ये वेरी करता है फीमेल टू फीमेल बॉडी। अब ये 28 to 29 डेज का जो ड्यूरेशन है, इसमें सारी प्रोसेस जो है इस तरह से रेगुलेट होती हैं हॉर्मोन्स के द्वारा कि एक साइकिल ख़त्म होने के बाद फिर अगली साइकिल शुरू होती है, फिर दूसरी ख़त्म होने के बाद फिर तीसरी शुरू होती है, और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि मीनोपॉज नहीं आ जाता। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होने के फिनोमेना को कहते हैं मीनोपॉज और स्टार्ट होने के प्रोसेस को कहते हैं मीना। अब बढ़ते हैं आगे। देख, तो ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल से किसमें ऑपरेट होती है, मंकीज एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, इसमें ये ऑपरेट होती है। अब साइक्लिकल प्रोसेस है, इसमें इसके मंथ के बीच में यानी कि 14 डे के आसपास रिलीज होता है एग, जिसको कहते हैं ओव्यूलेटरी पीरियड या ओव्यूलेशन, या फिर उसको फर्टाइल पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय एग रिलीज हुआ और वो किसी भी स्पर्म के साथ फ्यूज करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए उसे फर्टाइल पीरियड कहते हैं, फर्टिलिटी पीरियड। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें इसमें ये बताया फिगर 3.9 इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसको बोर्ड पर भी बनाया। इसको मैं समझाऊंगा तुम्हें एक एक करके। देखो, अगर हम सबसे नीचे वाले डायग्राम के सबसे नीचे वाले हिस्से की तरफ देखें तो यहाँ पर इन्होंने एक इस तरह की लेयर बनाई है। ये लेयर असल में एंडोमेट्रियम को रिप्रेजेंट करती है। एंडोमेट्रियम यानी कि यूटेरस की इनर लाइनिंग, जिसमें साइक्लिकल चेंजेस आते हैं हर 28 डेज के ड्यूरेशन पे। यानी कि वो जो एंडोमेट्रियल वॉल है या लाइनिंग है वो धीरे धीरे करके थिक हो जाती है। थिक होने के बाद वो एक सर्टेन लेवल तक पहुँचती है और उसके बाद शेड हो जाती है। उसके शेड होने का जो प्रोसेस है, जिसमें कि टिश्यू, ब्लड और टिशू
उसका ब्लड का लॉस होगा उसमें उसका जो रिलीज होने का प्रोसेस है उसी को मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंसेस कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब है टिश्यू का यानी कि ब्लड का पास होना जबकि वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड हो गई, ठीक है। उसी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, सैनिटरी पैड्स यूज किए जाते हैं। अब देखो फिगर 3.9 का ये वाला पार्ट, यहाँ पर इन्होंने इस वाले एक्सिस पर, अगर इस पर ग्राफ की तरह देखें तो ये वाले एक्सिस पर इन्होंने लिखा है डेज, किसके डेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज। तो सबसे शुरू में क्या लिखा है, 1, 3, 5, तो ये शुरुआती जो की 5 डेज है, 1 से लेके 5 तक। यहाँ पर इन्होंने ऊपर की तरफ देखो एक ब्लड जैसा स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ लिखा है मेंसेस, ठीक है। तो ब्लड और टिश्यू के फ्लो को मेंसेस कहते हैं, शुरू के 1 से लेके 5 दिन, ठीक है। वहां से हमने इसकी रेफरेंस ली है, वहां से इसकी शुरुआत ली है। तो ऑन एन एवरेज सपोज करो कि 5 दिन तक ये टिश्यू का फ्लो चला। अब जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड हो जाएगी और साथ में ब्लड का लॉस हो जाएगा तो देखो थिकनेस जो एंडोमेट्रियम की है वो हो जाएगी मिनिमम। उसके बाद क्या होगा, फिर इसमें ग्रोथ होनी शुरू होगी यानी कि इसकी थिकनेस बढ़नी शुरू होगी यूटेरस की लाइन। क्यों होगी, क्योंकि अगर इनकेस अगले ओवुलेशन के समय ओवम मैच्योर हो जाए, मैच्योर होने का मतलब सॉरी फर्टिलाइज हो जाए, तो उस जायगोट को इम्प्लांट होने के लिए क्या चाहिएगी, यही एंडोमेट्रियम लाइनिंग चाहिएगी। इसीलिए क्या हो जाता है, धीरे धीरे थिक, ठीक है। अब जब वॉल थिक होगी तभी तो जो हमारा फर्टिलाइज एग यानी कि जायगोट है वो उस पर अच्छे से इम्प्लांट हो पाएगा, इसीलिए इसका थिक होना जरूरी है। तो नेक्स्ट जो फेज, पहला जो फेज है इसका नाम इन्होंने लिखा है मेंस्ट्रुएशन, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, टिश्यू टूट रहा है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है इन्होंने फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज के नीचे लिखा है प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव वर्ड में प्रोलिफरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर सेल्स का नंबर तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसकी थिकनेस तेजी से इंक्रीज होती है। और जहाँ तक फॉलिकुलर फेज की बात है वो इन्होंने इसके रेफरेंस में लिखा है, ऊपर जो हम ओवरीज के सेल को स्टडी करते हैं, अभी हम स्टडी करते हैं एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को। तो ये लाइनिंग क्या हो जाती है, धीरे धीरे थिक, जैसा कि देख रहे हैं कि फिर 5 के बाद आता है फिर 7, 9, 11, 13, 15, 11, 13, 15। तो 15 डे के आसपास हम ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या रिलीज होता है, ये एग रिलीज होता है। और इस पीरियड को क्या कहते हैं, 15 डे के आसपास इसे कहते हैं ओव्यूलेटिंग पीरियड। इसके बाद 17 से लेके 27 डेज का जो ड्यूरेशन है उसको उन्होंने लिखा है लूटियल पीरियड, लूटियल फेज। इसको लूटियल या सिक्रेटरी फेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ तुम ये स्ट्रक्चर देखो जिसका नाम है कॉर्पस लूटियम, जिसके अंदर से अभी अभी एग रिलीज हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर को कॉर्पस लूटियम कहते हैं, इसलिए इस फेज को लूटियल फेज कहा गया है। इसको सिक्रेटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉर्पस लूटियम अब क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। उस प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन ये होता है कि वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखे ताकि जो हमारा इम्प्लांटेशन हुआ है वो वहां से शेड ना हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है इन्होंने नेक्स्ट साइकिल बिगिन, नेक्स्ट साइकिल बिगिन, यानी कि अब फिर से एक बार क्या हो जाएगा, फिर से प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगा और फिर से मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा। अगर इन केस यहाँ तक आते आते फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर उसके बाद ये लाइनिंग फिर से क्या हो जाएगी, शेड होना शुरू हो जाएगी और फिर से मेंसेस यानी कि मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ओवरीज का कंसेप्ट देखो, यहाँ पर इन्होंने लिखा है, यहाँ पर तो लिखा था यूटेराइन इवेंट, यहाँ पर लिखा है इन्होंने यूटेराइन इवेंट, यानी कि यूटेरस में क्या हो रहा है उसकी लाइनिंग इस तरह से घट बढ़ रही है 28 डेज के ड्यूरेशन। और यहाँ पर
ओवेरियन हार्मोन लेवल, ओवेरियन हार्मोन लेवल। लास्ट टाइम मैंने तो मैं बताया था कि ओवरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन। अब यहाँ पर उन्होंने इनको इन लाइन के माध्यम से समझाया है कि इन 28 डेज के ड्यूरेशन में इनका सीक्रेशन किस तरह से घटता या बढ़ता है ग्राफ के रूप में। सबसे पहले देखो ब्लू वाली लाइन को, ये है एस्ट्रोजन और दूसरी वाली है प्रोजेस्टेरोन। देखो इनके फंक्शन के हिसाब से और सिक्रेशन के हिसाब से इनके लेवल्स होते हैं। जैसे एस्ट्रोजन जो है इसका फंक्शन ये है कि ये प्रोलिफरेशन में हेल्प कराता है। इसके प्रोलिफरेशन में इस वॉल के यानी वॉल की थिकनिंग में हेल्प करता है। तो जैसे जैसे वॉल थिक हो रही है वैसे वैसे हम क्या देख रहे हैं एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है। दूसरे एस्ट्रोजन का फंक्शन ये होता है कि ऊपर ये जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट चल रहा है ओवरी के अंदर उसमें भी हेल्प करता है। तो एस्ट्रोजन की ये फंक्शन फॉलिकुलर डेवलपमेंट में और प्रोलिफरेटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये सीक्रेट होता है किसके द्वारा, कॉर्पस लूटियम के द्वारा, और फंक्शन होता है इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखना। तो जैसे ही ये यहाँ पर रिलीज हुआ वैसे ही ये यहाँ पर कॉर्पस लूटियम रिलीज हुआ और उसी वैसे हम क्या देखते हैं प्रोजेस्टेरोन के लेवल में इंक्रीज होता है जिसका फंक्शन होता है मेंटेनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। इसके बाद ऊपर की तरफ इन्होंने दिए ओवेरियन हॉर्मोन, ओवेरियन इवेंट्स। ओवरी में क्या इवेंट्स हो रहे थे, ओवरी में ओजेनेसिस हो रहा था और स्टार्टिंग हम किससे देखते हैं प्राइमरी यूगोनिया से। और प्राइमरी यूगोनिया या सेकेंडरी यूगोनिया या टर्शियरी यूगोनिया जैसे जो स्ट्रक्चर हैं वो वास्तव में किसके किसके अंदर थे, ये अंदर थे फॉलिकुलर सेल्स के अंदर, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और फिर ग्राफियन फॉलिकल तक आते आते जिसको मैच्योर फॉलिकल लिखा है उसके अंदर से रिलीज होता है एग लगभग 14 टू 15 डे के आसपास। ठीक है वही इन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो ये जो मैच्योर फॉलिकल होता है इसकी पहचान क्या है कि इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं एंट्रम। देखो डेवलपिंग फॉलिकल दिखा है स्टेजेस के हिसाब से वही मैंने यहाँ बनाए। और फाइनली ओव्यूलेशन के द्वारा यहाँ पर क्या रिलीज हुआ एग। फिर इसके बाद यहाँ एक येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखा है जो कि क्या है कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन, इसका ये फंक्शन है। और धीरे धीरे ये हो जाता है डीजेनरेट। इसके बाद एबीसी डायग्राम का सबसे लास्ट वाला पार्ट पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स। पिट्यूटरी जो हार्मोन रिलीज करती है वही हार्मोन आकर क्या करते हैं ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने के लिए। अब पिट्यूटरी कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है अगर तुम्हें याद हो, एक तो था FSH और एक था LH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है LH को, तो ये था LH और ये है FSH। तो LH और FSH का फंक्शन ये होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन है ओव्यूलेशन करवाना। तो उसमें जो पीक आएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में वो तब आएगा जब ओव्यूलेशन हो रहा है, इसका मतलब वो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और FSH का फंक्शन होता है कि वो इस फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट मतलब ये जो डेवलपिंग एग है हमारा इसके चारों तरफ जो फॉलिकल सेल्स की लेयर्स बन रही है उसे फॉलिकुलर ग्रोथ या फॉलिकुलर डेवलपमेंट कहते हैं। अब इस डायग्राम के बाद मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। ओ
ओवरी और यूटेरस में होने वाले जो इवेंट्स होते हैं, ये तो हुई डायग्राम की बात। एग्जाम में डायग्राम को बना के एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन लिखना भी आना चाहिए। तो इनमें जो इवेंट्स होते हैं या इनमें जो स्टेप्स होते हैं उसको ना याद रखने की सीक्वेंस है। यूटेरस में होने वाले जो इवेंट्स हैं उनको कैसे याद रखें, एम पी एस, और ओवरी में होने वाले इवेंट्स को याद रख सकते हैं एफ ओ एल, ठीक है। अभी एफ ओ एल और एम पी एस क्या है? एफ का मतलब है फॉलिकुलर, का मतलब है ओव्यूलेटरी, एल का मतलब है लूटियल, और यूटेरस में एमपीएस का मतलब है मेंस्ट्रुअल, पी का मतलब है प्रोलिफरेटिव, और एस का मतलब है सिक्रीटरी। ये क्या है? ये स्टेप्स यानी कि फेसेस के नाम है। तुम्हें क्या करेंगे, ये याद रखने में हेल्प करेंगे कि एक के बाद एक किस तरह से स्टेप्स फॉलो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। देखो अब पेज नंबर 50 पर देखो, मेंस्ट्रुएशन जो होती है इसकी विशेषता ये है कि ये एक फीमेल में तब से ऑपरेट होती है जब से कि वो प्यूबर्टी में आकर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन कर लेती है, और कब तक चलती है, जब तक कि 45 या 50 ईयर्स की एज तक, जब तक उसकी अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी रहती है तब तक हर 28 डेज के ड्यूरेशन पे एक एग रिलीज होता रहेगा, ठीक है। अब ये स्टेप्स यही सारे फॉलो होंगे, लेकिन कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ा में जाती है। उसके कई रीजंस होते हैं, जैसे कि किसी ड्रग का साइड इफेक्ट हो सकता है, या स्ट्रेस प्रॉब्लम हो सकती है, पुअर हेल्थ हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ये अलग अलग रीजंस हैं जिनकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में गड़बड़ आ सकती है। इसके अलावा एक रीजन और होती है जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी। सपोज फरोती एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन की वजह से ये बन गया जायगोट, जायगोट का हो गया इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब इम्प्लांटेशन यूटेरस की वॉल पे हो गया, तो यूटेरस की वॉल अब तो शेड नहीं हो सकती, नहीं तो ये हमारा जो एम्ब्रियो है ये भी शेड हो जाएगा, तो इसीलिए ये वाला जो प्रोसेस है ये फर्टिलाइजेशन होते ही रुक जाता है। तो तब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, रुक जाती है, ना तो उसमें प्रोलिफरेटिव होता है ना उसमें ओव्यूलेटरी होता है, कोई भी फेस नहीं होता। तो अब क्या होगा, अब ये प्रोसेस तब तक रुका रहेगा कि जब तक उस बेबी की बर्थ नहीं हो जाती। बर्थ होने के बाद लगभग 6 महीने के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से रेगुलेट हो जाती है, यानी फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस क्यों रुकता है, ये एक तरह से प्रेगनेंसी को बचाए रखने का तरीका है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि एग फर्टिलाइज ना हो तब क्या होगा, एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो एग भी शेड हो जाएगा, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने वाला कॉर्पस लूटियम भी धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा, और जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस टॉपिक में दी है पेज 51 में, वो ये देखो कि अलग अलग हॉर्मोन्स के फंक्शंस पता होना चाहिए। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो वो फॉलिकुलर ग्रोथ कराएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये क्या करेगा, ये ओव्यूलेशन कराएगा। दोनों किसके हार्मोन है, दोनों पिट्यूटरी हार्मोन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ओवेरियन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है, और जो एस्ट्रोजन है इसका फंक्शन है कि ये प्रोलिफरेशन में हेल्प करेगा और फॉलिकुलर ग्रोथ में हेल्प करेगा। इसके अलावा एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो फीमेल में होते हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है इतना मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैसेज में पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की इम्पोर्टेंस ये है, जैसे सपोज करो कि एक वॉल है और वॉल बनी होती है ईंटों की, तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, प्लास्टर, ठीक है, सीमेंट का। अगर हमें ये चाहिए कि कोई पेंटिंग उस दीवार पर लगी रहे,
प्लास्टर को भी वहाँ लगे रहना जरूरी है ना, अगर प्लास्टर गिर जाएगा तो पेंटिंग जो उस पर लगी थी वो भी गिर जाएगी। इसीलिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखना जरूरी है प्रोजेस्टेरोन के द्वारा, ताकि वहाँ पर जो इम्प्लांटेशन हुआ है वो बना रहे। ठीक है, तो यही काम था प्रोजेस्टेरोन का। बाकी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन हम करेंगे।